सभी को नमस्कार। कैसे हैं सब लोग, क्या हाल चाल? तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, आप लोगों ने वीडियो में देख लिया होगा कि हम लोगों की जो दो बोन्स होती हैं, टिबिया और फिबुला, आप लोग जानते हैं। जो मोटी वाली बोन है, शिन बोन जिसको हम बोलते हैं, वो है टिबिया, और जो दूसरी बोन है पतली वाली, उसके साथ सपोर्टिंग बोन जो है वो है फिबुला। तो कई का केसेस में आप लोगों ने भी देखा, हमने भी देखा कि उसमें जो ना कोई स्क्रू लगा है, ना कोई प्लेट लगी है, वो बिल्कुल टूटी हुई है, किसी की ऐसी पड़ी है, किसी की बिल्कुल खाली छू रखी है, किसी की बिल्कुल दूर है, उसको ऐसे ही फिक्स कर दिया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? और किसी किसी केस में आपने देखा होगा कि उसमें प्लेट, आपने देखा होगा कि प्लेट लगी होती है, किसी किसी केस में आपने देखा होगा कि प्लेट लगी होती है, तो वो प्लेट क्यों लगाई जाती है? किसी केस में तो लगाई जा रही है, किसी में नहीं लगाई जा रही है, किसी में वायर डाल दी जाती है, वहाँ पे के वायर डाल दी जाती है, तो ये सारी चीज़ें क्यों होती है, इस पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा, जब हमारे पैर में अगर फ्रैक्चर होता है तो कौन सी बोन को क्या बोलते हैं। जो हमारी ये मोटी वाली बोन है, जो आपको यहाँ दिख रही है, ये मोटी वाली जो बोन है वो है आपकी टिबिया बोन, शिन बोन। शिन बोन मतलब कि मोटी वाली बोन जिसमें सारा वेट जाता है। और जो दूसरी बोन है, जो पतली वाली बोन है, इसका नाम है फिबुला, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं आज। फिबुला बोन में हमने कई फ्रैक्चर्स ऐसे देखे, कई एक्सरेज ऐसे देखे जिसमें कुछ भी नहीं फिक्स किया गया है। जैसे कि आप मेरा एक्सरे देख सकते हो, मेरे एक्सरे में जब फ्रैक्चर हुआ था तो दोनों मेरी बोन्स जो हैं वो एक के ऊपर एक आई हुई दिखी हैं। आपको दिख रही होंगी कि दोनों बोन्स एक के ऊपर एक आई हुई हैं, लेकिन जब मेरा इसका सर्जरी कर दिया गया, इसमें रॉड फिक्स किया गया, तो सब जगह मेरा फ्रैक्चर जहाँ जहाँ था वहाँ वहाँ पर ठीक किया, लेकिन फिबुला को सिर्फ एक ऊपर से सिर्फ टच करा रखा है, इसको जोड़ा नहीं गया है, पूरा टूटा हुआ नज़र आ रहा है। सबसे ज़्यादा टूटा हुआ यही दिखता था आपको, मेरे को पार्ट। तो मेरी ये मुझे प्रॉब्लम हुई, मैंने कहा यार ऐसा क्यों किया हुआ है। तो मुझे इसमें जानने की दिलचस्पी हुई कि भाई क्यों किया हुआ डॉक्टर ने ऐसा। मैंने डॉक्टर से पूछा कि आपने इसको ऐसा क्यों छोड़ रखा है, तो उनका कहना था कि किसी किसी की तो हम ये बोन निकाल ही देते हैं, इसकी टेंशन छोड़ दो, इसमें कोई दिक्कत लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक नॉन वेट बेयरिंग बोन है। जी हाँ, ये जो बोन है ना, इसको हम बोलते हैं नॉन वेट बेयरिंग बोन, और फिबुला बोन में कभी भी ज़्यादा वेट नहीं जाता है। अगर मान लो तो बहुत से बहुत अगर जाएगा तो 10% 20% वेट ही जाता है, बाकी वेट इसमें नहीं जाता है। इसीलिए सिर्फ इसको एक जगह पे स्टेबलाइज कर दिया जाता है। उसके बाद आपको डॉक्टर बोलता है कि आप ठीक हो, आप जाओ, इसको बस रख दो एक के ऊपर एक के सामने एक रख दिया जाएगा, तो ये बोन ऑटोमेटिक जुड़ जाएगी। तो फिबुला बोन के लिए हमको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी मत दिक्कत लीजिए। अगर आपका डॉक्टर आपके उसमें कुछ नहीं लगा रहा है तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरा, आपने किसी में देखा होगा वायर डली हुई है, किसी में आपने देखा होगा कि प्लेट लगी हुई है, ऐसा क्यों होता है? मतलब भाई आप, मैं तो बोल रहा हूँ कि भाई ऐसा नहीं होता, खस रख देते हैं हो जाता है, तो मेरे उसमें प्लेट क्यों लगी है, मेरे उसमें क्यों प्लेट लगाई गई, डॉक्टर ने क्यों लगाई? देखिए, इसका सिंपल सा लॉजिक है। आपका फिबुला काम क्या करता है, आपका जो फिबुला बोन है उसका काम होता है आपके एंकल को स्टेबिलिटी देना, आपके एंकल का मूवमेंट होना, आपके एंकल को जो स्टेबिलिटी देता है ना, वो देता है आपका ही फिबुला बोन। कई बार आप देखते होंगे जब आपका एंकल, आपका फिबुला ही बोन जिनका फ्रैक्चर हुआ है, उनको ज़्यादातर पता होगा कि जब वो डॉर्सिफ्लेक्शन करते हैं, प्लैंटर फ्लेक्शन करते हैं ना, अपने पंजे को हिलाते हैं आप पीछे की तरफ आगे की तरफ, तो ये काफ की जो मसल होती है, हमारे पैर के जो पीछे की साइड की जो मसल होती है वो दर्द करती है, काफ मसल दर्द करती है। कारण क्या है इसका? इसका कारण यही है कि फिबुला जो है ना, वो एंकल की स्टेबिलिटी के लिए काम करती है। एंकल की स्टेबिलिटी के लिए वहाँ पर उसको प्लेट लगानी पड़ती है, प्लेट से फिर वो दिक्कत नहीं आती है उन लोगों को, तो प्लेट लगाई जाती है या फिर वायर डाला जाता है। देखेंगे जब भी लोअर टिबिया होगा ना, जब भी किसी का लोअर फिबुला फ्रैक्चर हुआ होगा, लोअर साइड में, डिस्टल साइड में अगर दिक्कत होगा तो डॉक्टर ज़्यादातर उसमें लगाएंगे, अपर साइड में भी लगाएंगे, मिडिल में भी लगाएंगे, ये आपने देखा होगा। तो कारण सिर्फ इतना सा है कि नॉन वेट बेयरिंग बोन है, और नॉन वेट बेयरिंग के साथ जो आपकी फिबुला है वो ऑटोमेटिक सिर्फ एक जगह पर रख दी जाएगी, तो उसको वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। लोअर साइड में क्या होता है कि जब डिस्टल साइड में होती है तो उसका काम एंकल के स्टेबिलिटी देना है, अगर वो एंकल को स्टेबिलिटी नहीं दे पाती इसलिए उसको प्लेट लगाई जाती है, और प्लेट लगा के फिर फिक्स कर दिया जाता है या फिर वायर डाली जाती है। कई लोगों के केस में वो वायर भी बहुत जल्दी निकाल देते हैं। तो मुझे लगता है ये चीज़ क्लियर होगी, बहुत सारे क्वेश्चन फिबुला से रिलेटेड आते हैं। अब फिर एक लास्ट क्वेश्चन इसमें और आता है कि कितने दिनों में मेरी फिबुला हील हो जाएगी। तो देखिए, अगर मैं अप्रॉक्स टाइम बोलूँ तो 45 to 90 days के अंदर ये ऑलमोस्ट सबकी ठीक हो जाती है, 45 to 90 days लेती है, लेकिन आपको उसमें रेस्ट करना होता है। स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है फिबुला बोन के फ्रैक्चर में, स्वेलिंग आपको बहुत ज़्यादा हो सकती है, कारण वही एंकल की साइड में है इसलिए वो आपको स्वेलिंग कर सकती है, काफ मसल में दर्द हो सकती है, घबराने की बात नहीं है। वो बहुत
मतलब बहुत नॉर्मल सी दर्द होती है, इतनी दर्द नहीं होती जितनी टिबिया के टूटने में आप लोगों ने दर्द झेली है, उतनी तो बिल्कुल भी नहीं होती है। 1% दर्द होगी आपको उसकी, तो वो हल्की फुल्की पेन करेगा। घबराने की कोई भी ज़रूरत किसी को नहीं है उस केस में। आपको सिर्फ क्या करना है, अपने पैर को थोड़ा सा एलिवेट करके रखना है, दो तकिए अपने एंकल के नीचे, ये एंकल वाला हिस्सा जो होता है ना, इसके नीचे दो तकिए रखिए। कोशिश करिए उसको यहाँ यहाँ तक रख लें ताकि आपके पैर को स्टेबिलिटी मिल जाए और आपका पैर थोड़ा सा ऊपर रहे। ये कितना ऊपर रहना चाहिए, आपके हार्ट के लेवल, ये हमारा हार्ट है, हार्ट के लेवल से थोड़ा सा ऊपर रहना चाहिए। अगर आपके हार्ट के लेवल से ऊपर रहेगा तो ब्लड फ्लो नीचे की तरफ रहेगा, ये कारण होता है उसको कि डॉक्टर कहता है एलिवेट करके रखो एलिवेट, तो ये होता है एलिवेट करने का कारण कि अगर आप एलिवेट करके रखते हैं तो ब्लड फ्लो नीचे की तरफ जाएगा और आपको स्वेलिंग नहीं होगी। तो स्वेलिंग से बचाना है। और सोते टाइम क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, इस चीज़ के लिए कई लोग पूछते हैं कि सावधानियाँ क्या रखें। तो सोते टाइम आपको कोई ऐसी खास सावधानी रखने की जरूरत नहीं है, कोशिश करिए कि पैर को एलिवेट करके रखें। लेकिन अगर आपका पैर नीचे गिर भी जाता है तो दिक्कत कुछ नहीं होगी, फ्रैक्चर्ड लेग को हमेशा दूसरे पैर के ऊपर रखना चाहिए। मतलब अगर आप साइड वेज भी सो रहे हैं तो कोशिश ये करिए कि ये जो फ्रैक्चर्ड लेग है ये ऊपर रहे, लेकिन कुछ टाइम तक कोशिश करिए कि उसको हम एलिवेट करके ही रखें। स्वेलिंग आने पे तुरंत एलिवेट कर लें। अगर आप बहुत देर तक पैर लटका के बैठते हैं, ना बैठें, अपने आगे एक स्टूल रख लें, पैर को सीधा करके रख लें, उस स्टूल के ऊपर रख लें ताकि आपकी स्वेलिंग जो है वो कम हो, स्वेलिंग एकदम ज़्यादा ना हो। लटकने पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है और ये स्वेलिंग 3 से 6 महीने तक रह सकती है, फिबुला के केस में भी और टिबिया के केस में भी। इस चीज़ को समझना पड़ेगा हमें कि 5 से 6 महीने वो रहती है, उससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, कम से कम 45 दिन आपको रेस्ट करना है, पैर को बहुत कम वेट डालना है। अगर डाल भी रहे हो वेट आप तो क्रचिस लेके या स्टिक लेके ऐसा कुछ चलना है, आपको एकदम से पूरा वेट नहीं डालना फिबुला के केस में भी, क्योंकि क्या होता है कि हमारा एंकल जो है ना वो एंकल मूवमेंट आपका जाम हो जाएगा अगर आपका फिबुला टूटा होगा। इस चीज़ पर ध्यान रखना है। और होप ये वीडियो आपको समझ में आई, बात आपको समझ में आई, एक क्वेश्चन आप लोगों का जो था फिबुला से रिलेटेड वो सॉल्व हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट इसमें है तो नीचे कमेंट करिए। अगर इसमें आपको कोई चीज़ लगी हो कि कोई चीज़ छूट गई या कोई चीज़ गलत है तो प्लीज़ उसको भी बताइए, क्योंकि किसी के पास भी गलत इन्फॉर्मेशन ना जाए, ये हमारा एक रीज़न है, ये एक हमारा एक लक्ष्य है कि किसी के पास गलत इन्फॉर्मेशन ना जाए, सही ही जाए। अगर आपको कुछ लगता है प्लीज़ नीचे कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।